Hello everyone students, how are you? Welcome to class 8. Today we are going to learn mathematics. कुछ ख्वाबों में जीते हैं, कुछ ख्यालों में रहते हैं, कुछ ख्वाबों में जीते हैं, कुछ ख्यालों में रहते हैं, और हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट तो मैथ की एक्सरसाइजों को बार बार करते हैं. हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट तो मैथ की एक्सरसाइजों को बार बार करते हैं. इस टाइम हम लोग आते हैं अपने रेशन नंबर की एक्सरसाइजों में. आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइजों को कम्प्लीट कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और हमें फेयर वर्क में भी अच्छे से कंप्लीट करना है, फेयर कॉपी बनानी है, जिससे हमारा आने वाले जो दिन हो उसमें हम लोग का जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा कंप्लीट हो जाए. इसमें हम बात करते हैं रेशन नंबर की एक्सरसाइज की बात करते हैं. पूरी पूरी एक्सरसाइज को हम लोग को सोल्व करना है. देखिये फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई सिंबल दिया हुआ. इस एक्सरसाइज में आपको प्रोडक्ट की एक्सरसाइज मिलेगी, मोस्टली जगह आपको मल्टीप्लाई सिंबल यूज होगा. देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. 3 6 18 होता है, ये माइनस एन इसके साथ है. 3 6 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका आ जाएगा माइनस का 3 6 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, माइनस 20 अपॉन आपका 3 हुआ इंटू 5 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 20 को 1 में ऐड कर दीजिए 21 अपॉन 5 आ जाएगा. डिवाइड कर लीजिए 5 1 5 5 4 20 और 3 1 3 3 7 21, तो आपका आ जाएगा 4 7 20 माइनस का 20 अपॉन 1 आपका क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा. आप इसे माइनस 20 भी कह सकते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इतनी बड़ी सिंप्लीफाई दिया हुआ है ठीक, क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइज 1.3 से एक एक टाइप ले लिया है. वैसे इसमें ए से जेड तक, ए से डी, ए से ई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 1 क्वेश्चन है उसमें ए बी सी डी ऐसे करके दिए गए हैं. मैंने एक क्वेश्चन लिया, कुछ इजी क्वेश्चन भी लिया, कुछ टफ क्वेश्चन भी लिया आपके लिए. देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं. 7 1 7 7 7 14 हुआ, 16 1 16 2 32 हो जाएगा. तो इधर आपका क्या आ जाएगा, -2/7 आ जाएगा और इधर +-11/21 चल ही रहा है. अब इसको भी सॉल्व कर लो, यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 11 1 11 11 2 22 और 21 1 21 23 63, तो आपका इधर क्या आ जाएगा -3/2 आ गया. माइनस ये भी कैंसिल किया, 4 1 4 4 6 24, 5 1 5 5 4 20, तो ये आपका -4/6 आया. अब तो सिंपल है, इसे सॉल्व कर सकते हैं. 7 2 6 के बाद एलसीएम ले लो, तो 7 2 6 का हमने एलसीएम ले लिया. 2 से डिवाइड किया, जिस नंबर में डिवाइड नहीं करते उस नंबर को लिख लेते हैं, आपकी इसी वाले एलसीएम की प्रैक्टिस हो जाएगी. 2 1 2 2 3 6. 3 से डिवाइड किया, 7 लिखा, 1 लिखा, 3 1 3, 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, 1 1. ये तब तक प्रोसेस डिवाइड कर रहता है जब तक सभी नंबरों में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए. 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 42 आपका एलसीएम आ गया. 7 का डिवाइड आप 42 में करेंगे तो 6 आएगा और 6 -2 से मल्टीप्लाई कर देगा 6, तो -12 आ जाएगा. प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस आया. 2 ने 42 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 2 4 2 1 2 21, 21 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 3 और 3 2 6 हो गया. माइनस में अप्लाई कीजिए, 6 का 42 में डिवाइड कीजिए, 6 7 42 और 7 आपका 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 4 28. इसे आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, तीनों माइनस साइन है तो माइनस लगा दीजिए, तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे. देखिए ये 60 राउंड अप से, ये 60 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 10 ऐड करो कितना होगा, 90 हुआ. 90 हो गया आपका ये. फिर उसके बाद इसका 8 और 3 ऐड करो कितना होता है, 8 और 3 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड करो तो कितना होगा 13, तो 3 और 9 ऐड किया 10, माइनस का 1 3/42, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा. फिर इनवर्स होता है वो रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें हम लोग अपॉन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -19/6, ये हमारा आंसर आ गया. यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या होता है, रेसिप्रोकल. क्या होता है, रेसिप्रोकल. इसमें करते हैं क्या, जो न्यूमरेटर का पोर्शन होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर का पोर्शन होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है. साइन वही रहते हैं, साइन चेंज में नहीं होते हैं. फिर 4 नंबर क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन लिखा है और आपसे कह रहा है कि प्रॉपर्टी से बता दो. तो देखिए अगर a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी इक्वल सी अपॉन डी इंटू अपॉन बी, इस प्रकार की प्रॉपर्टी दी गई है, आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो. कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी. इसका मैं नाम लिख देता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी उसका वेरीफाई हमें करना है, तो वेरीफाई आप जानते हैं सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर ले तो भाई 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये तो कुछ कैंसिल हो ही गए, तो बस इनको 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो आपको कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अपॉन क्या, माइनस का 28 अपॉन 11, 15 और 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 वन 15 के 5 1 कैरी आपका हो गया, और 15 वन 15 15 16 हुआ इक्वल। ये भी 11 3 33 और कुछ कैंसिल हो नहीं रहे, हो रहा है क्या? नहीं हो रहे हैं, तो बस 7 3 21 हो जाएगा भाई, 7 3 आपका 21 हो गया, 7 3 21 हो गया। और 21 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 4 4 2 8, और नीचे आप कितना आ जाएगा, 15 15 और 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 165 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नॉट वेरीफाई मिल जाएगा, किसमें जाएगा, नॉट वेरीफाई, यानी ये आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व नॉट वेरीफाई में आपका क्वेश्चन ये चला जाएगा। इस टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन चेंज करके दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। इसमें जैसे आपको दिया गया 4/9 दिया गया, सिंपल लेते हैं थोड़ा सा, 4/9 ठीक है, और मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 आपको कितना दिया गया, 3 दिया है, फिर इक्वल माइनस 2/3 इंटू आपको क्या दिया, 4/9 दिया। ओके क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व करिए, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना जाएगा, अगर आप सॉल्व क्या करेंगे, कर तो ही नहीं रहे, तो बस क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो तो आपको कितना आ जाएगा, 2 4 8 - 8/9 3 27 इक्वल 2 4 8 और 9 3 27, आपका क्या होगा, वेरीफाई। अब से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ओके क्वेश्चन, तो देखिए 5/7 का -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेम प्लस 5/7 का 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो 10 5 कितना होता है, 50 होता है, तो माइनस का 50/7 आया, प्लस जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नहीं कर पाता तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10 हो जाएगा, और 7 3 क्या हो जाएगा, 21 होगा, 7 21 का एलसीएम लोगे 21 आया, 7 21 से डिवाइड करेगा तो 3 आएगा, और 3 50 से मल्टीप्लाई करेगा, 0 3 5 15, तो माइनस का 15 है, यानी माइनस का 150, प्लस 21 21 से डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, और 110 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 10 1 10, इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 140/21, ये सुन आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लाई 7/25 दिया हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, रेसिप्रोकल माइनस 7/15 कर, भाई इसका पहले रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, 15/-7 आ जाएगा, 7 7 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25, तो आपका आ जाएगा 3/-5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उन्हें कम्प्लीट करें, आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करें, और वर्क कम्प्लीट अच्छे से करें, व्हाट्सएप पे अपनी मैसेज दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर दिया। जय हिंद, जय भारत।